शुक्रवार को हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची मुजफ्फरनगर न्यायालय पहुंची, जहां उन्होंने दंगे से पूर्व नगला बंदौड़ में हुई महापंचायत के एक केस में अपने वारंट रिकॉल कराए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए साध्वी प्राची ने राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश को तोड़ा है, वे भारत को कैसे जोड़ देंगे। यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल द्वारा प्रियंका गांधी को किस किए जाने वाले सवाल पर साध्वी प्राची ने नाम लिए बगैर कहा कि मैं साध्वी हूँ, मेरी एक मर्यादा है, मुझसे ना पूछो तो अच्छा ही है, क्योंकि पप्पू की कोई मर्यादा नहीं होती, वो भरे चौराहे पर कुछ भी कर सकता है। बहन जी, इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अरे जिन लोगों ने भाई देश को तोड़ा है, वो भारत को कैसे जोड़ देंगे? पूरा देश समझ रहा है, जान रहा है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी इनका एक वीडियो भी वायरल है, दोनों भाई बहन का एक प्यार करते हुए वीडियो वायरल है, उसका क्या कहेंगे आप? बड़े शर्म की बात है, मुझसे ना पूछो तो अच्छा है, क्योंकि मैं साध्वी हूँ, मेरी एक मर्यादा है। पप्पू की तो कोई मर्यादा नहीं थी, भरे चौराहे पे कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरी एक मर्यादा है, माफी चाहूंगी। आपको बता दें कि 2013 में पूर्व कवाल में मारे गए ममेरे भाई सचिन और गौरव के लिए नगला मंदौड़ में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके बाद जनपद में दंगे भड़क गए थे। इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं सहित साध्वी प्राची के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट में पेश न होने के कारण साध्वी प्राची के खिलाफ NBW हो गया था, जिसको लेकर शुक्रवार को साध्वी प्राची ने कोर्ट में पेश होकर अपने वारंट रिकॉल कराए।